मैं मनीष विश्वकर्मा दादाष्टक 24 न्यूज़ से। आज राजधानी लखनऊ में एक इंडस्ट्री के स्टार उभरते हुए कलाकार अनु त्रिपाठी अनु जी, जो कि एक इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत ही प्यारी उनकी आवाज़ है, बहुत से एल्बम हैं, कई मूवियों में भी उनके गाने आ चुके हैं, और जो कि आज उनका एक बोलबम जो कि सावन का एक गीत है जो कि आज यहाँ पे सूट लगा है नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे हनुमान सेतु के पास में, और हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा उनसे कुछ बात करते हैं, जानते हैं कैसे उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है और कुछ आने वाले उनके प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा अनु जी से उनका परिचय क्या है और किस तरीके से इस इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा है। आइए अनु जी से एक मुलाकात। आप सभी को नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी, वैसे रहने वाला मैं कानपुर देहात से हूँ और लखनऊ में मुझे आए हुए लगभग 7 से 8 साल हो रहा है। और 7 साल के पहले जानते हो इस लाइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है, बहुत सारी मेहनत हमें करनी पड़ी है और उस मेहनत को करते हुए आज हम जहाँ भी मतलब कुछ भी कर रहे हैं, सभी लोगों का साथ है हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा भी है और लोगों के प्रति अच्छा ही सोचते आए हैं। आज हमारा जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो भोले की बारात है और बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि ये झांकी वगैरह में और भोले की जो बारात निकलती है उसमें ये गाना बहुत अच्छा शूट करेगा। तो हम लोग की आज यहाँ पे शूटिंग होने वाली है, आगे भी हम कई सारे प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, हम शॉर्ट फिल्में लाने वाले हैं, वेब सीरीज लाने वाले हैं और हालांकि भी बात चल रही है हमारी बड़ी फिल्म की भी, उसके लिए भी हम लोग अभी बजट तैयार करें, जब बजट तैयार होगा तो उस पर भी काम किया जाएगा। बाकी इंटरेस्टेड लोगों का वेलकम रहता है हमारे जैसे लोगों के साथ, अपना हमारा लखनऊ में स्टूडियो है, कभी भी आ सकते हैं हमारे पास, तो उन्हें ज़रूर सपोर्ट किया जाएगा जो नए कलाकार हैं। जैसा कि अनु जी ने बताया कि जो भी नए कलाकार हैं, जो भी इनसे जुड़ना चाहते हैं, वो लखनऊ में एक स्टूडियो तैयार किया है जो कि उत्तर प्रदेश के जो कुछ कलाकार ऐसे हैं जो बहुत ही धोखा खाते हैं, जाते हैं, उनको एक मुकाम हासिल नहीं हो पाता है, अनु जी उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज हमारा बाबा भोले की जो बारात का जो गाना है आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, ऑडियो अभी हम फिलहाल लॉन्च किए हैं, तो आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो कुछ यूनिक और कुछ खास है। और आज हम जिस ग्रुप के साथ काम करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रीत सागर झांकी ग्रुप है और हमारे साथ सभी, ये बैक साइड में देखिए, सभी लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर अभी बारिश की वजह से हम लोगों का सिस्टम थोड़ा सा बेकार हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लोग आकर के पेड़ के नीचे ही अपना काम चला रहे हैं। लेकिन इसका जो गाना बनने वाला है बहुत धुआंधार बनने वाला है, मुझे पूरा भरोसा भी है और उम्मीद भी है कि जो हमारे साथ में जो प्रीत सागर जी हमारे भाई हैं वो बहुत ही अच्छा आज काम करेंगे और उम्मीद है कि वो वीडियो आपको पसंद भी आएगा। तो आइए पहले हम बात करते हैं अपने प्रीत सागर जी से, वो बताएंगे अपनी झांकी के बारे में। आप देख पा रहे होंगे इस तरफ थोड़ा सा मेकअप वगैरह का काम चल रहा है, इधर सभी लोग अपने अपने काम पर व्यस्त हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर, और हमारे ये सामने शिव बाबा का जो त्रिशूल है और इधर हमारे साथ नितिन भाई हैं जो कि कैमरे पे हमारे भाई, पूरा जो कैमरे का काम है हमारे नितिन भाई देख रहे हैं, और इधर चारों तरफ का जो नज़ारा है बहुत सुंदर है। यहाँ पर गोमती नदी का ये तट है, बहुत सुंदर नज़ारा है, मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो आइए हम प्रीत सागर जी से मिलते हैं। तो हमारे साथ ये प्रीत सागर भाई हैं। हाँ, तो प्रीत भाई आप अपनी झांकी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी झांकी मतलब कहाँ कहाँ तक आप लोग ले जाते हैं, कहाँ कहाँ तक करते हैं प्रोग्राम वगैरह? झांकी हम लोगों की कोई कुछ भी पक्का नहीं, आप कहीं भी आप बुला, मतलब ऑल इंडिया कहीं भी जा सकते हो, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड कहीं भी बुला सकते हो। अच्छा, देखिए हमारे जो प्रीत भाई है ये काफी अच्छी झांकी करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजों को देखा गया है हमारी तरफ से, हमने देखा भी है और मुझे भरोसा भी है कि आप जिस टाइप की चाहेंगे झांकी उस टाइप की इनसे आप बोल सकते हो। इनका नंबर हम आपको इसी वीडियो पे डाल देते हैं, तो इस नंबर पे फोन करके आप इनसे सारी जानकारी ले सकते हैं झांकी के बारे में, वीडियो से लेके हर चीज आपको ये अवेलेबल करा देंगे और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आज ये हमारी झांकी का ग्रुप लेकर के हमारे साथ, हमारे जो हमारा गाना है भोले की बारात उसमें आज कुछ यूनिक होने वाला है,
अभी आगे का आप जो सीन देखेंगे वो सीन कुछ अलग अंदाज में होगा, जो कि हम आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। और साथ में इनकी साथ में रीना श्रीवास्तव जी हैं, जो कि झांकी की मैनेजर हैं। तो रीना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, आप नहीं कुछ कहना चाहेंगी। तो हमारे प्रीत भाई ही हैं, मतलब अगर देखा जाए तो करता धरता यही है और यही सब कुछ करेंगे। तो अभी हम आगे का सीन भी आपको दिखाएंगे जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बने रहें, देखते रहें वीडियो। भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भैया सुनी क्या सामने देख? हाँ, बहुत बढ़िया। डांस करते रहो और घर। बहुत बढ़िया। क्या बात है नंदी बाबा, वाह। रुक जाओ। ये पर अब भी अभी आप करना करो। गर्दन हिलाओ, गर्दन नंदी। स्टिल हो जाना एकदम।